नमस्कार मित्रों, और फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका इंस्टा गुरुजी में, जहां पर मैं प्रकाश जांगड़ आप लोगों के लिए आज लेकर आया बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में। अब ये जो टॉपिक है, ये किसी भी स्टैंडर्ड में आप भले ही क्यों ना हो, आपके 10th क्लास से स्टार्ट होता है और एंडिंग तक जब तक आप पढ़ोगे, जब तक आप लिखोगे, हर जगह आपको आईयूपीएससी जो नाम है वो पूछा जाएगा और आपको आना चाहिए भी, क्योंकि इसके बिना आप केमिस्ट्री में अधूरे हो बिना नामकरण के। तो हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं आईयूपीएससी नामकरण कैसे करते हैं और क्या ये पद्धति अपन को बताती है। सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बता दूं, आईयूपीएससी जो नाम है इसकी फुल फॉर्म आपसे कभी भी कोई भी पूछ सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म जो है बड़ी सिंपल सी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, आपको इसके फुल फॉर्म में ये तो भले मतलब नींदों में उठाकर पूछ लो, ये वाली बात है कि नींदों में उठाकर पूछ लो तो भी आपको आनी चाहिए, वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएससी की हमारी फुल फॉर्म होगी। अब देखो, इस आईयूपीएससी जो पद्धति है इसके अंदर कुछ नियम दिए गए। सबसे पहले उन नियमों की बेसिक्स को देख लेते हैं, देन अपन उन नियमों को विस्तार से देखें और फिर अपन इसके बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से करके आईयूपीएससी नाम को पूरा कंटेस्ट सीख लेंगे। अब देखो, सबसे पहले अपना बात करें बेसिक्स की। देखो, अगर मान लो आपकी कोई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, उसके अंदर कार्बन है, एक है, दो है, तीन है, चार है, कितने कार्बन होते हैं अपन उनको क्या बोलेंगे उसके अपन करते हैं बात। मान लो आपकी कार्बन श्रृंखला के अंदर एक ही कार्बन परमाणु है, जब एक ही कार्बन परमाणु है तब इसको अपन बोलेंगे मैथ समूह, अगर दो है तो इसको अपन बोलेंगे एथ, अगर तीन है तो इसको अपन बोलेंगे प्रॉप, चार है ब्यूट, पांच है पेंट, छह है हेक्स, सात है हेप्ट, आठ है ऑक्ट, नौ है नॉन और दस है तो डेक। इस प्रकार से कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर पहले तो अपन उनका नाम देखेंगे, एक कार्बन तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, नॉन, डेक। ठीक है, इस प्रकार से अपन को ही देखना। अब अगर कार्बन कार्बन परमाणु आपके हैं, इनके बीच में एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड अगर बना हुआ हो कार्बन और कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड है, तो ऐसे यौगिकों को, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग बोलते हैं एल्कीन, सॉरी एल्केन, अपन को पता है। और इस एल्केन जो है इसका जो सफिक्स जो है जिसको अपन अनुलग्न बोलते हैं वो होता है एन। अगर आपके कार्बन और कार्बन जो परमाणु उनके बीच में डबल बॉन्ड है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग बोलते हैं एल्कीन। और जो आपकी एल्कीन होती है, इस एल्कीन का जो अनुलग्न होता है, जो इसका सफिक्स होता है, उसको अपन बोलते हैं ईन। ओके, अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपकी ट्रिपल बॉन्ड है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं एल्काइन। और इस एल्काइन जो है इसके लिए जो आपका अनुलग्न होता है वो होता है आइन। अब देखो, इन सफिक्स को अपन कैसे यूज करेंगे, इन्हें हम कैसे यूज करेंगे, ये सब कुछ जानते हैं, क्योंकि ये तो हमारा था बेसिक्स जो कि हमें पता होना चाहिए। अब एक चीज और मैं बेसिक्स के अंदर बता दूं, अगर मान लो आपकी जो प्रतिस्थापी समूह किसको कहेंगे वो भी अपन जब अभी देखेंगे तब आपको बताऊंगा। अगर मान लो प्रतिस्थापी की संख्या एक से ज्यादा होती है, एक है, तब तो उसके लिए अपन शब्द काम लेते हैं मोनो, लेकिन एक हो तो हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन अगर दो हो, तीन हो, चार हो, तब हमें उनके लिए भी पूर्व लगन चाहिएगा, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनके संख्या के आधार पर डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इस प्रकार से अपन चलेंगे। अब चलते हैं फटाफट से जो मेन नियम है उन पर बना दूं और फिर अपन उससे बात करते हैं आगे। जैसे मैं हाइड्रोकार्बन बना रहा हूं CH3, CH, CH2, CH3, CH2, CH, CL, CH3, ये मान लो कोई हाइड्रोकार्बन है। अब हमारे देखो आईयूपीएससी क्या कहती है इसके अपन बात करते हैं। हमारी आईयूपीएससी का जो पहला नियम है वो ये कहता है कि आप सबसे लंबी कोई कार्बन श्रृंखला आपको मिलती है हाइड्रोकार्बन, उसका चयन कर लो सबसे पहले। तो अब देखो, इसके अंदर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होने का मतलब क्या है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन परमाणु आते हो। अगर मैं देखो इस वाली श्रृंखला की बात करता हूं, अगर मान लो मेरी डिस गई कि मैं इस वाली को ले लूं तो क्या मैं सही हूंगा, देखते हैं। इसके अंदर कार्बन गिनते अपन, एक, दो, तीन, चार, पांच कार्बन मेरे को मिले। अगर मैं ऐसे गिनता इसको, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, यहां पर मेरे को छह कार्बन मिल रहे, पिछले वाली कंडीशन से एक कार्बन ज्यादा मिल रहा है। तो अपन को यही करना है कि जो जितनी ज्यादा संख्या में अपन को कार्बन परमाणु मिल सके अपन को उतनी बड़ी श्रृंखला को चुनना है। तो यहां पर सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला ये है, तो मैंने इस कार्बन श्रृंखला का कर लिया चयन। आप एग्जाम में ऐसे राउंड बनाकर या ऐसे डिब्बा बना के, बॉक्स बना के, लाइन खींच के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके वहां पर। ठीक है, अब देखो
हमने कहा प्रतिस्थापी समूह कहते किसको, उसकी बात कर लेते हैं। जो हमने कार्बन श्रृंखला चुनी है, इस चुनी हुई कार्बन श्रृंखला के बाहर जो कुछ भी बच गया उन सबको हम बोलेंगे वो प्रतिस्थापी है। तो यहाँ पर देखो, एक तो CH3 मेथिल समूह जो कि बाहर निकला हुआ पड़ा है, तो यहाँ पर ये प्रतिस्थापी है। ये Cl ऊपर निकला हुआ पड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर ये भी प्रतिस्थापी है। तो हमारे पास इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंदर दो प्रतिस्थापी निकल कर आ गए। अगला काम देखो, IUPAC नियम के अकॉर्डिंग जो दूसरा है वो क्या कहता है कि चयन करने के बाद अब अपन को इनको अंकित करना है, यानी नंबर देना है इनको। अब नंबर अपन किस साइड से देंगे, ये भी बहुत नेसेसरी बात है। अगर देखो मैं नंबरिंग यहां से करता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो देखो क्या होता है, जो प्रतिस्थापी है वो मेरे को 3 नंबर वाले कार्बन में मिलता है, लेकिन अगर मैं नंबरिंग करता इधर से 1, 2, तो दूसरे कार्बन पर मेरे को प्रतिस्थापी मिल गया। IUPAC ये कहती है कि आपको नंबरिंग उस साइड से करनी है जहां से आपको प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले। तो कम नंबर इस साइड से मिल रहा है, तो अपन नंबरिंग भी इसी साइड से करेंगे। तो मैंने इसको नंबर दिया 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हमने कर दी इसकी नंबरिंग। अब जब हम इसका नाम लिखेंगे, तो नाम लिखते समय हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम नाम लिखेंगे उस प्रतिस्थापी, जो प्रतिस्थापी है ना आपके, उनका। अब प्रतिस्थापी के तौर पर यहाँ पे ये मेथिल समूह भी है और ये क्लोरो समूह भी है। अब दोनों में से किसका नाम पहले लिखें, तो IUPAC ने ये कहा कि आप ये देखो कि ABCD में पहले कौन आता है अल्फाबेटिकली। इंग्लिश के अंदर देखो, मेथिल जो है वो M से स्टार्ट होता है और जो क्लोरो है ये C से स्टार्ट होता है। तो ABCD में पहले C आता है, M बाद में आता है, तो हम पहले C वाले का नाम लिखेंगे क्योंकि ABCD में पहले वो आता है। अब नाम लिखते टाइम भी देखो दोनों क्या ध्यान रखना है, ये जो आपको क्लोरो समूह है ये कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है उसकी लोकेशन भी हमें बतानी पड़ेगी। तो हमने देखा ये वाला जो कार्बन है ये दूसरा कार्बन है, दूसरे नंबर वाले कार्बन के साथ में क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो अपन इसका नाम लिखेंगे 2-chloro। यहां पे जो Cl है इसका नाम होता है क्लोरो। इसके बाद अपन आगे आते हैं, तो एक प्रतिस्थापी आगे हमें यहां पर मिलता है, इस प्रतिस्थापी का नाम है मेथिल समूह। अब ये कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है, दोबारा से हमें वो नंबर भी लिखना पड़ेगा। तो एक हमने लिख दिया, इसके बाद मैं लगा रहा हूं कोमा, क्योंकि एक लिख दिया उसके बाद कोमा लगाकर अपन दूसरे का नाम लिखते हैं। इसका नाम है मेथिल, कितने नंबर, 4 नंबर वाले कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए अपन लिखेंगे यहां पर 4-methyl। और इसके बाद जितने प्रतिस्थापी है उनका नाम आपने लिख दिया, प्रतिस्थापी खत्म। अब लास्ट हमारा काम बचता है, जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है इसका अपन नाम लिख दे। तो देखो इस हाइड्रोकार्बन के अंदर आपको दिख रहे 6 कार्बन है, और अभी भी अपन ने यहां पे लिखे था कि जब 6 कार्बन होते, कार्बन की संख्या 6 होती, तब उसको अपन बोलते हैं हेक्स। और सारे के सारे बॉन्ड देखो सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में बने हुए बंद सभी एकल बंद है, तो इसलिए इसके लिए जो सफिक्स अपन काम में लेंगे वो होगा एन, तो हेक्स प्लस एन बन जाएगा हेक्सेन। तो इस हाइड्रोकार्बन का नाम हो गया 2-chloro-4-methyl-hexane। इस प्रकार से हम करते हैं इनका नामकरण। अब देखो ये तो नॉर्मल सा था, अब इससे थोड़ा सा अपन हार्ड एग्जांपल और देते हैं। हार्ड कुछ भी नहीं होगा, बस थोड़ा सा इसके अंदर एक आध और चीज में ऐड कर रहा हूं। पहला रूल वो हमें कहता है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुन लो आप। ये आपको कार्बन श्रृंखला दिख रही है, इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन आपको यहां पर मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन आपको यहां पर मिल रहे हैं। अब देखो कैसे भी ले लो, 5 कार्बन आपको मिल रहे हैं। अब कौन सी श्रृंखला को अपन चुनेंगे, देखो अगर मैं इस श्रृंखला को चुनता हूं तो क्या होता है, मेरे पास प्रतिस्थापी कितने निकल कर आए। अगर मैंने इसको चुन ली, देखो अगर मैं इसको चुनता तो मेरे पास प्रतिस्थापी के तौर पर एक तो यहां पर ये प्रतिस्थापी आ रहा है, एक यहां पर ये देखो ये वाला इस साइड से बाहर निकला ना, तो यहां पर ये एक प्रतिस्थापी आ रहा है, तो प्रतिस्थापियों की संख्या यहां पर कितनी हुई, 2 ही हुई है। लेकिन अगर मैं इसको यूं नहीं चुनकर इसका मैं चुनाव करता श्रृंखला का इस प्रकार से, तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, 1, 2 और 3 तीन प्रतिस्थापी मेरे को यहां पे मिल रहे हैं। ज्यादा किसमें मिले, इस वाले केस में मेरे को प्रतिस्थापी की संख्या ज्यादा मिल रही है, तो मैं ये वाली जो श्रृंखला है इसका चुनाव यहां पर करूंगा। तो हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि सबसे लंबी उस कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसके अंदर प्रतिस्थापी समूह अपन को ज्यादा मिले। अब देखो हालांकि एक कार्बन यहां पर और होता तो हमें इसको चुनना ही पड़ता है, क्योंकि सबसे लंबी श्रृंखला अपन को ये वाली मिलती, लेकिन यहां पर अगर मैं ऐसे चुनता तो भी वही 5 कार्बन की श्रृंखला मेरे को मिल रही है, और जब मैंने इसको ऐसे चुना तो भी मेरे को 5 ही कार्बन की श्रृंखला मिल रही है। जब कार्बन श्रृंखला बराबर है तब उस केस के अंदर हम ये देखेंगे कि कहीं किसी केस के अंदर अपन को प्रतिस्थापी ज्यादा तो नहीं मिल रहे, जहां पर अपन को ज्यादा मिलते हैं अपन उस वाली श्रृंखला को चुन लेते हैं जैसे अपन ने यहां पर चुना। अगला काम अपना IUPAC कहती है कि जब आपने श्रृंखला को चुन लिया उसके बाद उसकी नंबरिंग कर दो। तो देखो मैं जब नंबरिंग करूंगा यहां से अगर मैं करूं तो 1, 2 नंबर कार्बन में मेरे को प्रतिस्थापी समूह मिल रहा है, लेकिन अगर मैं यहां से करूं 1, 2 तो भी मेरे को 2 नंबर वाले कार्बन में प्रतिस्थापी मिल रहा है। अब ऐसे केस में किस साइड से करेंगे भैया अपन,
यहां पर अपन को देखो ध्यान क्या रखना है, वही आईपीसी वाली बात जो एबीसीडी में पहले आए पहले उस साइड से नंबरिंग कर दो। तो देखो ब्रोमो है ये बी से स्टार्ट होता है, आयोडो है ये आई से स्टार्ट होता है, एबीसीडी में पहले बी आता है, तो इसलिए अपन नंबरिंग इस ब्रोमीन वाली साइड यानी इस साइड से करेंगे। तो एक नंबर कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा कार्बन, इस प्रकार से पांच कार्बन की श्रृंखला होगी, अपन ने नंबरिंग कर दी। अब इनका नाम लिखते हैं। तो देखो नाम लिखने का भी बिल्कुल वही तरीका जो एबीसीडी में पहले आता है, उसका नाम अपन को पहले लिखना है। ये ब्रोमो है इसका बी से नाम आता है, ये आयोडो है इसका आई से नाम आता है, और ये एथिल समूह है इसका नाम ई से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखो एबीसीडी में पहले तो बी आएगा यानी इसका नाम अपन लिखेंगे ब्रोमो का, उसके बाद ई आता है तो एथिल समूह का नाम, उसके बाद फिर उसके बाद अपन नाम लिखेंगे जो आई से आता है यानी आयोडो समूह का नाम। तो देखो ब्रोमो समूह दो नंबर कार्बन पे है, तो उसका मैं नाम लिखूंगा टू ब्रोमो। इसके बाद एथिल समूह ई वाला आता है, ये तीन नंबर वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं इसका नाम लिखूंगा थ्री एथिल। और इसके बाद जो तीसरा और लास्ट प्रतिस्थापी अपना है वो है आयोडो, जो कि चार नंबर वाले कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ, तो मैं इसके लिए लिखूंगा फोर आयोडो। और एट द एंड जब हमने सारे प्रतिस्थापियों के नाम लिख दिए तो एक ही चीज बचती है, वो है हमारी हाइड्रोकार्बन। इसमें आपको इतना सा देखना है केवल कितने कार्बन और उनके बीच में बंध बने कैसा है, बने और बंध का प्रकार कैसा है। तो हमने देखा पांच तो इसमें कार्बन है और सारे के सारे जो बंध बन रखे हैं वो सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए ये क्या होगी एल्केन श्रेणी। पांच कार्बन को अपन बोलते हैं पेंट, और चूंकि एल्केन है तो इसलिए एन शब्द और आगे जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगी हमारी पेंटेन। ये हो गया हमारे इस हाइड्रोकार्बन का नाम, टू ब्रोमो, थ्री एथिल, फोर आयोडो, पेंटेन। देखो अभी तक जो हमने दो एग्जांपल पढ़े थे दोनों के अंदर सिंगल सिंगल बॉन्ड अपने कार्बन श्रृंखला के बीच में लिए थे, अब ये वाला जो है ये थोड़ा सा अपन ने चेंज कर दिया, यहां पर आपको एक डबल बॉन्ड भी दिख रहा है। तो देखो आईयूपीएससी का इसके बारे में जो नियम वो क्या कहता है कि आपको सबसे लंबी उस कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी आता हो। अब देखो अगर ये डबल बॉन्ड वाली कंडीशन नहीं होती तो हम किसको चुनते, एक दो तीन चार पांच छह कार्बन यानी इतनी बढ़िया प्रमुख श्रृंखला मिली, अपन आंख मिच कर इसको चुन लेते। लेकिन यहां पर देखो क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, आईयूपीएससी ने अपन को बाध्य कर दिया कि डबल बॉन्ड जो वो श्रृंखला के अंदर शामिल होना ही चाहिए। अब देखो अगर मैं श्रृंखला को चुनू एक दो तीन चार तो मेरे को चार कार्बन की श्रृंखला प्राप्त होती है, लेकिन अगर मैं श्रृंखला को चुनू एक दो तीन चार पांच, यहां पर मेरे को पांच कार्बन की श्रृंखला प्राप्त हो रही है, तो हम किसको चुनेंगे, यहां पर इस वाली श्रृंखला को चुनेंगे, और ये वाली जो श्रृंखला बाहर रहेगी इसको हम प्रतिस्थापी मान लेंगे यहां पर। और प्रतिस्थापी के रूप में CH3 CH2 का नाम, या फिर इसको अपन शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं C2H5 जो है ये भी इसी को अपन शॉर्ट में लिखते हैं, और इसका नाम होता है एथिल समूह। तो इसका अपन नाम लिख देंगे। देखो कैसे अपन पहले तो करेंगे नंबरिंग, नंबरिंग करने का भी देखो यहां पर क्या तरीका होगा, इस बार चाहे इसमें कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ हो अपन नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड को या जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा उसको कम नंबर मिलते हो। मान लो यहां पर आपके एक सीएल और जुड़ा होता, ठीक है, अब देखो अगर अपन नंबरिंग करते तो यहां से एक दो दूसरे वाले नंबर वाले जो कार्बन है अपना उसके ऊपर क्लोरीन यानी प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, और इधर से अगर अपन करें सॉरी यहां पर छोड़ दो, यहां पर लगाओ इसको, यहां पे मान लो क्लोरीन समूह जुड़ा हुआ है। तो अब अगर मान लो अपन प्रतिस्थापी समूह को ध्यान में रखते हुए नंबरिंग करते हैं तो अपन को नंबरिंग किस साइड से करनी पड़ती, क्यों, क्योंकि एक नंबर वाले कार्बन के ऊपर प्रतिस्थापी समूह जुड़ रहा है, और अगर अपन इधर से करते हैं तो एक दो दूसरे नंबर कार्बन पर प्रतिस्थापी यहां पर मिल रहा है। तो अगर अपन प्रतिस्थापी को देखते हैं तो नंबरिंग अपन को यहां से शुरू करनी पड़ती, लेकिन यहां पर चूंकि हम प्रतिस्थापी को नहीं देख सकते क्योंकि जब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो अपन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा महत्व देते हैं, तो अपन नंबरिंग करेंगे इस साइड से जहां से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलते हो। तो एक नंबर, दो नंबर, तीन, चार और पांच, पांच कार्बन की अपनी श्रृंखला होगी। अब देखो इसके अंदर दो प्रतिस्थापी होगी, एक तो ये वाला एथिल समूह और एक ये वाला क्लोरो समूह। क्लोरो स्टार्ट होता है सी से और एथिल स्टार्ट होता है ई से। एबीसीडी में पहले आता है सी, तो अपन पहले उस प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, वो पांच नंबर वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका नाम हो गया 5-क्लोरो कॉमा, अगला प्रतिस्थापी अपना एथिल है तो ये जुड़ा हुआ है दो नंबर वाले कार्बन पे, तो 2-एथिल, और चूंकि पूरे पांच कार्बन है, पांच कार्बन की श्रृंखला है और पांच कार्बन की हाइड्रोकार्बन को अपन बोलते हैं पेंट, और जब डबल बॉन्ड भी आ जाता है श्रृंखला के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में तो इसको अपन बोल देते हैं इन आगे लगा देते हैं, इसके जो अपन कहते हैं सफिक्स वो इन लगा देते हैं। अब यहां पर अपन को यह भी ध्यान रखना है कि जो डबल बॉन्ड है ये खुद कितने नंबर वाले कार्बन के साथ में आ रहा है, तो यहां पर अपन देखा एक नंबर वाले कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड है तो अपन इसको भी मेंशन करेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटा, चूंकि देखो पांच कार्बन है इसलिए इसको आप पेंटा भी लिख सकते हो, भी पेंट भी लिख सकते हो, एक ही बात है, अगर आप इसको पेंट लिखना चाहो तो पेंट भी लिख सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। डबल बॉन्ड आ गया तो इसके लिए अपन लिखेंगे आगे इन, लेकिन इन कितने नंबर पे डबल बॉन्ड,
एक नंबर वाले कार्बन के साथ में, तो यहां पर अपन को पेंट वन इन लिखना पड़ेगा। ये हो गया हमारे इस हाइड्रोकार्बन का नाम 5-chloro-2-ethyl-pent-1-ene या 1-pentene भी लिख सकते हैं भाई इसको, ठीक है। अब एक और डबल बॉन्ड का अपन एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो इस एग्जांपल के अंदर क्या आ रहा है, एक तो डबल बॉन्ड आ रहा है और दो अपन को प्रतिस्थापी मिल रहे, कुछ नहीं करना, सेम टू सेम वही कंसेप्ट, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आप लोगों ने चुन ली। चुनने के बाद अपना अगला काम है नंबरिंग करने का। जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड श्रृंखला के अंदर हो तो अपन को यही बात ध्यान में रखनी है कि उसको कम नंबर मिलने चाहिए। अब जैसे ये डबल बॉन्ड है, एक दो दूसरे नंबर के कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो अपन नंबरिंग यहाँ से करेंगे, क्योंकि अगर मैं वहाँ से करता तो एक दो तीन चार नंबर वाले कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड आता जो कि दूर पड़ जाता, तो हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये जो Cl है इसका प्रतिस्थापी के रूप में नाम होता है क्लोरो, और ये जो NO2 है इसका प्रतिस्थापी के रूप में नाम होता है नाइट्रो। तो हम दोनों के देखो नाम, इसका पूरे का नाम लिखते हैं। क्लोरो C से स्टार्ट होता है, N की तुलना में पहले आता है ये, तो पहले इसका नाम होगा 4-chloro। इसके बाद अगला प्रतिस्थापी अपना नाइट्रो है, ये पांच नंबर वाले कार्बन के साथ जुड़ा होता है, इसका नाम हो जाएगा 5-nitro। और जो आपके हाइड्रोकार्बन है इसका अपन नाम लेते हैं, छह कार्बन है, छह कार्बन श्रृंखला को अपन बोलते हैं हेक्स, और चूंकि यहां पर एक डबल बॉन्ड भी आ रहा है तो इसको हेक्सीन बोल देंगे। लेकिन ये डबल बॉन्ड दो नंबर वाले कार्बन के साथ में है तो इसको अपन बोलेंगे हेक्स टू इन, टू इन, या टू हेक्सीन भी इसको बोल सकते हैं भाई, कोई आपत्ति वाली बात है। अब देखो ये तो बात होगी जब डबल बॉन्ड आता, तब जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो भी सेम टू सेम कंडीशन यही अप्लाई होगी, बस खाली यहां पर जो इन है इसकी जगह पर आ जाएगा आइन, बस और कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा अब एक देखो छोटा सा आपको ये और बता दूं, स्पेशल केस है जब मान लो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ एक ही श्रृंखला के अंदर आ जाएंगे, तब देखो क्या होगा। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं अभी, सी एच टू डबल बॉन्ड, सी एच, सी एच टू, सी एच टू नहीं, यहाँ पे एक प्रतिस्थापी दे दो, जैसे एनओ टू दे देते अपन, उसके बाद सी, फिर ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये जैसे कोई श्रृंखला आ गई अपनी। अब इस श्रृंखला का अपन देखो नाम जब करेंगे तो सबसे पहले अपन को सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चाहिए, जो कि हमें साफ साफ दिख रही है, ये वाली जो है ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होगी हमारी। अब इसके अंदर देखो एक तो ये प्रतिस्थापी हो गया, इसका तो नाम अपन लिखेंगे लिखेंगे, लेकिन अपना मेन काम होता है अब यहाँ पर नंबरिंग करने का। अब देखो अगर मैं नंबरिंग करता हूँ यहाँ से तो एक नंबर वाले कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड आ रहा है, और अगर मैं नंबरिंग करता हूँ यहाँ से तो भी एक नंबर वाले कार्बन के साथ में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अब इसके अंदर भी क्या करेंगे अपन, डबल ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले ऐसा काम करें या फिर डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले ऐसा काम करें। तो इसके लिए आईयूपीएसी ने सुझाया कि जो आपका डबल बॉन्ड है ना इसको कम नंबर मिलने चाहिए, तो आप इस प्रकार से नंबरिंग करो जिससे डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलते हो, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आए तब अपन नंबरिंग करेंगे इस सिरे से। ये स्पेशल केस है, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर यही यही क्वेश्चन आएंगे आपके, जिसके अंदर आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों देंगे, तब आपको वहां पर यह दिक्कत आएगी कि किसको अपन प्रधान माने, तो प्रधान हमेशा मानना है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड को। 2, 3, 4, 5, पांच कार्बन की श्रृंखला है। अब इसके अंदर देखो अपने इसका नामकरण करते हैं, ये जो प्रतिस्थापी है इसका नाम सबसे पहले आता है, तो 3-nitro कॉमा अपनी जो हाइड्रोकार्बन है इसके अंदर पांच कार्बन है, तो पांच कार्बन के लिए अपन लिखते हैं पेंट। अब अपन ने पेंट लिख दिया, अब देखो एक नंबर वाले कार्बन के साथ में आ रहे डबल बॉन्ड, नाम पहले डबल बॉन्ड का लिखें उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का लिखें, ये तो आपको मान नहीं है। डबल बॉन्ड जो है ये एक नंबर वाले कार्बन के साथ में है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 1-ene कॉमा, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है तो इसका नाम भी अपन को देना पड़ेगा, ये कितने नंबर कार्बन पे है, चार नंबर वाले कार्बन के साथ में, इसलिए अपन लिखेंगे 4-ene। तो इस प्रकार से जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक ही श्रृंखला के अंदर जाए तो उसका नामकरण अपन इस प्रकार से करेंगे, सीधी मिल गई। अब इसके अंदर अपन को नंबरिंग करनी है, अगर मैं नंबरिंग इधर से करूंगा तो एक नंबर वाले कार्बन में डबल बॉन्ड मिल रहा है, इधर से करूंगा तो भी मेरे को एक नंबर वाले कार्बन में डबल बॉन्ड मिल रहा है, किधर से भी अपन नंबरिंग कर सकते हैं 1, 2, 3, 4। इस केस के अंदर कुछ भी खास नहीं है, बस इतना सा अपन को पता चल जाएगा कि जब दो डबल बॉन्ड आ जाए तब अपन को क्या करना है, तो वही सेम टू सेम चीजें रहेंगी। प्रतिस्थापी इसके अंदर कोई है नहीं, तो प्रतिस्थापी को तो नाम अपन को लिखना नहीं है, सीधा अपन हाइड्रोकार्बन का नाम लिखते हैं। इसके अंदर 1, 2, 3, 4, चार इसके अंदर क्या है ये आपको कार्बन दिख रहे हैं, तो चार कार्बन को अपन बोलते हैं ब्यूट, ठीक है। अब इस ब्यूट के अंदर देखो एक तो डबल बॉन्ड आ रहा है एक नंबर वाले कार्बन के साथ में, एक डबल बॉन्ड आ रहा है आपके तीन नंबर वाले कार्बन के साथ में, तब इसका अपन नाम क्या लिखेंगे, ब्यूट 1,3-diene, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। और अगर मान लो आप ये नहीं लिखो तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हो, 1,3-butadiene,
जो कि अपन प्रचलन के अंदर ज्यादा इसी को बोलते हैं, बाकी असली नाम जो है वो ये है, और ये गलत नहीं है, ये भी इसी का ही एक रूप है, ये भी हम बोल सकते हैं। तो 1,3-butadiene ये भी इसी का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक जो यौगिक है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका कि अगर अपन बात करें ना सामान्य नाम या जिसको अपन बोलते हैं व्युत्पन्न नाम है, वो है आइसोऑक्टेन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा जाता है कि आइसोऑक्टेन का आईयूपीएसी नाम बताओ। ये देखो मैं लिख रहा हूं आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन की संरचना इस तरह याद होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा ना आईयूपीएसी के नाम चाहे नींदों में उठाए पूछ ले आपको आना चाहिए, सेम टू सेम आइसोऑक्टेन की संरचना। तो आपको मतलब अगर आपने नशा कर रखा ना उस नशे के अंदर भी आपको याद है, इस प्रकार से याद होना चाहिए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइसोऑक्टेन की संरचना होती है ऐसी, CH3CH3CH2CCH3 और आपका CH और ये CH3, ठीक है, ये है आइसोऑक्टेन की संरचना। अब एग्जाम में पूछते हैं इसका आईयूपीएसी नाम, तो देखो अगर अपन वो संरचना आती है तो उसका आईयूपीएसी नाम अपन बड़ी आराम से बता सकते हैं, कुछ नहीं करना, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी है, तो साफ साफ दिख रही है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जो है वो यही होगी, आप लोग आराम से कॉपी के अंदर इसको करके देख सकते हो। अब प्रतिस्थापी देखो, ये वाला रहा, ये वाला रहा, ये वाला रहा, तीन इसके अंदर प्रतिस्थापी आ गए। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से अपन को प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले, लेकिन इसके अंदर आप लोग अगर गौर से देखोगे तो एक नंबर दो नंबर दूसरे कार्बन में प्रतिस्थापी है, इधर से आप देखोगे तो भी दूसरे नंबर वाले कार्बन में प्रतिस्थापी मिल रहा है, लेकिन यहां से अगर आप करते हो तो आपको दो प्रतिस्थापी मिल रहे हैं, तो अपन इस वाली साइड को प्रीफर करेंगे और नंबरिंग अपन करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, पांच कार्बन अपन को मिल गए। प्रतिस्थापी अपने पास तीन है, तीनों का नाम क्या है, मैथिल है, तो तीनों का नाम अपन एक साथ लिखे हैं। अब ये वाला मैथिल समूह कितने नंबर पर है, दो पर, ये वाला भी दो पर, ये वाला चार नंबर वाले कार्बन पर है, तो मैंने लिखा 2, 2, 4। अब 1, 2, 3 अकेला नहीं बल्कि तीन तीन है, और जब तीन होते हैं तो अपन इसके आगे जो अनुलग्न है जिसको अपन सॉरी पूर्व लग्न बोलते हैं उसको लगाते हैं अपन ट्राई, तो यहां पर 2, 2, 4 ट्राई, कौन है ट्राई, मैथिल समूह है, तो अपन यहां पे लिखेंगे 2, 2, 4 ट्राई मैथिल। अब लास्ट में अपना काम होता है, जैसे अपने सारे ही प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखा जाए तब इस हाइड्रोकार्बन का अपन नाम लिखते हैं। इस हाइड्रोकार्बन के अंदर पांच कार्बन है, पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। तो 2, 2, 4 ट्राई मैथिल पेंटेन, ये है आइसोऑक्टेन का आईयूपीएसी नाम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, इस प्रकार से अपने इस वीडियो के अंदर क्लियर किए हैं आईयूपीएसी के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि हमारे बेसिक 10th लेवल से स्टार्ट होकर इन फ्यूचर हम जहां तक भी जाएंगे हर जगह हमारे काम आने वाला है। तो ये जो वीडियो थी ये बेसिक नॉलेज देने के लिए आप लोगों को थी, आई होप कि काफ़ी कुछ समझने और सीखने को मिला हुआ, और अगर ऐसा है तो जो सपोर्ट आप लोग मुझे आज तक देते हुए आए हो उसी सपोर्ट की मैं बाकी सब जो न्यू व्यूवर्स है उनसे भी कल्पना कर रहा हूँ। तो बस इसी दुआ के साथ आप लोगों की बढ़ता हूँ आगे, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।